है आपके होंठों पे जो मुस्कान वगैरह बिकवाना दे कहीं मेरी दुकान वगैरह, कुर्सी तो बन चुकी है मेरे लीडरों का खेल, संगीन होना जाए ये बहरान वगैरह, म्यूजिकल चेयर है जारी तभी तो आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? बिल्कुल सर, आप कैसे हैं? माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आज तो बहुत पुराने स्कूल के आप हेडमास्टर लग रहे हैं। फिर तो मैं सही जगह आया हूं। शागिर्द भी तो पुराने जिन्होंने जाले लगे हुए साढ़े छे छे तो शनाख्ती कार्ड बन गए उनके साथ है। एक दिन उन्होंने मोटरसाइकिल तो तेज जा रहे, मैं कहा किधर जा रहे जी? कहते मैं सौरियों को खर्चा लैन चलना। सौरे गए तो सालिया ने लड़ पे हो गए, उन्होंने बहुत कुटिया। फिर बाहर निकल के कहते शुक्र करो मैनू गुस्सा नहीं आया। ससुराल जाके शिकायत कर रहे हैं अपने ससुर से, कहते ने मेरी वाइफ मेरे साथ बदतमीजी बहुत करती है। अच्छा, अगर ससुर कहने लगे बस बेटे उसको खामन भी तो अच्छा नहीं ना मिला। ना तो ससुर वासे मैं पूछ रहा कि मैं तुहाड़े वास्ते की कर सकना, ते गुस्से च कहंदे जे इन्ना ही प्यार कर दे फिर मैनू किस्तां ते मोबाइल लैके दियो। मेहमान को एक्टर है जनाब इमाद भट्ट। उनके साथ हमारी दूसरी मेहमान मॉडल बुशरा जमील। वेलकम टू द शो जी। आज दोनों पर्सनैलिटी मेरी बड़ी पसंदीदा है जी, और दोनों एक साथ तशरीफ लाई हैं। शेर भी मैंने लिखा है बिल्कुल एक साथ। टीवी ड्रामों और कमर्शियल्स की दुनिया के दो फनकार, एक माद बट भी हैं और एक्टर भी, इनके पहलू में जलवा घर है एक रोशन कंदील, फैशन की दुनिया की ठाकुर प्यारी बुशरा जमील। मेरे बाजू रह सकना है। अच्छा जी, मेरे बाजू रह सकना है, होना नहीं कह सकना है। हाँ हाँ, मैं रंग ते रूप नहीं वेंदा। अच्छा, मैं रंग ते रूप नहीं वेंदा, मेरी छावे बह सकना है। ये नहीं करना चाहिए था जो उसने किया है, ओए, ओए, ओए। उस बेवफा ने मुझे धोखा क्यों दिया है? एक बात हमें सच बता दें बट साहब, जब शैंपू खत्म हो जाता है बोतल में पानी डाल के यूज किया है? एक बात बहुत तल्ख कही थी उसने, तुसी पैसे मंगे होने उसको। बात तो याद नहीं, याद है लहजा उसका। क्या हाल है आपके? बाद सर ठीक ठाक। शायरी से दिलचस्पी आपको? बस सर पढ़ते रहते हैं थोड़ा थोड़ा। अच्छा, पढ़ते रहते हैं ये थोड़ा थोड़ा। आपका ताल्लुक जो है वो कौन से शहर से है? लाहौर से। लाहौर से ताल्लुक है, और यहीं पे आपने इब्तदाई तालीम भी सारी हासिल की। इब्तदाई बल्कि आपने आई थिंक यू डिड योर ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स फ्रॉम जी लाहौर एज वेल। बिल्कुल। तो ये एक्टिंग कहाँ से आई? ये बड़ा एक डिफरेंट सा सवाल है, कॉम्प्लिकेटेड है। मैं समझता हूँ, मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल बंदा हूँ, मैं समझता हूँ कि इंसान जो सोचता है ना उस ट्रैक पे चल नहीं पाता, कोशिश करता है वो। मतलब मिसाल के तौर पर जैसे मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा, आपने कहा कि मैंने जिंदगी में बहुत फेलियर्स देखी हुई हैं। मतलब आपने बताया जैसे कि मैट्रिक में आप 6 दफा फेल हो गए, आपने सोचा कुछ और है, लेकिन होते होते जिंदगी आपको एक ट्रेजेक्टरी के ट्रैक पे लेते हुए यहाँ लेकर आ गई। मेरे साथ भी कुछ ऐसी चीजें नहीं, मैट्रिक में कौन 6 मरतबा फेल हुआ? अल्लाह की कसम है बात यह है कि सोचते इंसान कुछ और है लेकिन पहुंच कहीं और जाता है। मैंने सोचा मैं तो CSP ऑफिसर बनूंगा, मैंने सोचा मैं तो बिजनेस करूंगा, मैंने सोचा मैं तो ग्राफिक डिजाइनर बन जाऊंगा, लेकिन जिंदगी आपको घुमाते फिराते यहाँ लेके आती है। एक जो हॉबी आपकी होती है, हॉबी से स्टार्ट होते वो आपका पेशा बन जाता है वो। तो मैं इस तरह एक
एक्सीडेंटल कह लें या एक फेट के जो एक कागज कश्ती समंदर में चली जाती है, वो बहती पहुंच जाती है, मैं भी यहाँ पहुंच गया। अच्छा, तो ये बहना कहाँ पे शुरू हुई थी? ये बहना सर कॉलेज से, गवर्नमेंट कॉलेज से स्टार्ट हो गई थी। कॉलेज में क्या ड्रामेटिक्स में थे आप? नहीं, बड़ा अब ये भी बड़ा एक बिल्कुल कोई अदर नहीं है। अच्छा, ये एक बड़ा फनी से है कि मुझे पोर्टफोलियो करवाने का शौक था ना, मैंने यार कपड़े अच्छे कभी पहन लिए, साफ सुथरे हो गए तो लोग कहते यार बड़ा अच्छा दिख रहा है यार। पोर्टफोलियो बनवाया था आपने? पोर्टफोलियो बनवाया, मैंने खावर भाई को फोन किया, मैंने कहा जी कॉलेज के किसी लड़के ने कहा कि यार वो फोटोग्राफर बहुत अच्छे उनके पास गवर्नमेंट कॉलेज में, वो हमारा टेलीफोन बहुत था, वहाँ से कॉल की कि सर वो मैं ये। उन्होंने कहा बेटा करते क्या हो? मैंने कहा मैं तो पढ़ रहा हूँ। उन्होंने कहा तो वो पोर्टफोलियो के पैसे कहाँ से दोगे? तो वो बात नहीं बनी। बल्कि उसी साल में मेरे गवर्नमेंट कॉलेज में ना फीस कंसेशन का एक, मैंने देखा हमारे क्लास का लड़का था, वो फीस कंसेशन के चला गया वो, तो उसको मैंने देखा, मैंने सोचा यार ये आइडिया तो बड़ा अच्छा है। आप यकीन करें मैंने भी उसको किया और मुझे फीस जमा करवाई थी उसका, मुझे 35% रिमबर्स हो गया और मैंने पहला पोर्टफोलियो हार्वेस्ट जा करवा लिया। अच्छा, जस्ट इमेजिन कि जिंदगी आपको किस तरह आपके लिए रास्ते बनाती है या चीज़ें आपके लिए प्लेसिंग की जा रही होती है। एक दो महीने के बाद पहला कमर्शियल की ऑफर आ गई। इनके साथ तो ये हुआ, आपके साथ क्या हुआ, आप बताना चाहेंगे? मैंने स्टडी तो गुजरात से किया, आई एम फ्रॉम गुजरात बेसिकली। गुजरात से? यस, पंजाब कॉलेज ऑफ कॉमर्स बीकॉम। लेकिन मैं करना नहीं चाहती थी बिल्कुल भी, ठीक है, मेरे डैड का प्रेशर था यू हैव टू डू दिस, बट मेरे अंदर था लाइक स्टार्टिंग से बचपन से आई हैव टू डू समथिंग, मुझे मॉडल बनना है, मुझे टीवी पे आना है, ये करना है, वो करना है। सो आई जस्ट रिसेंटली स्टार्ट बिफोर लाइक 3 months 4 months। मॉडलों की भी जिंदगी, सारी जिंदगी मैंने मॉडल बनना है, मॉडल बनना जो 30 साल दी गई, फिर मैंने अब किसी की बहू बनना है। उनको तो नहीं था पहले कि उन्होंने मॉडलिंग करनी है? मुझे बचपन से था। आपको बचपन से? मुझे बचपन से शौक था कि मुझे टीवी पे आना है, लाइक मुझे मॉडलिंग करनी है। आपकी फेवरेट मॉडल्स थी जिनको आप देखती थी? बिल्कुल, महरीन मेरी बहुत फेवरेट मॉडल थी। अच्छा, महरीन सही है, ठीक है। मैं बहुत, इमान अली बहुत अच्छी मॉडल थी। इमान अली, तो यार मैं हमेशा उनको देखा करती थी, आई ऑलवेज वांट टू डू दिस। महरीन सैयद और इमान अली वर योर फेवरेट्स? आपके थे कोई फेवरेट, ऑल्दो यू वर नॉट थिंकिंग ऑफ यू नो परस्यूइंग एक्टिंग, बट डिड यू हैव एनी एक्टर्स? देखिए उस वक्त तो ऐसा कोई चीज नहीं थी, इतनी जरा निकल भी रही थी, लेकिन आई थिंक उस वक्त इमाद इरफानी थे, उनको देखते थे। जो आप पूछ रहे हैं कि वो आइडलाइज था, नहीं हुआ आइडलाइज नहीं, मगर कोई एक होता है जिनका आप काम देख रहे होते हैं, आपको होता है कि यार हाँ, जिस तरह आपने सब कहा कि इमाद इरफानी हमेशा एक बड़े जबरदस्त मॉडल रहे हैं, फ्रॉम द फर्स्ट टाइम मैंने भी उनको देखा, मैं कहा यार हाँ भाई, इस भाई का बनता है, ये मॉडल होना चाहिए इनको। वो हो गए, और उससे पहले एक फारूक मनान हुआ करते थे, वो बड़े जबरदस्त मॉडल रहे हैं अपने जमाने में, मैं याद, हम देखते थे उनको। इसी तरह बहुत से दोस्त हमारे ऐसे हैं जो कि आपको देख के लगता है कि यार ये, इसी सिमिलरली ना कहीं लोगों की एक्टिंग आपको देख के उस समय लगता था कि यार एक्टिंग बड़ी कमाल करते हैं, ये एक्टर तो बनता है। और उसके बाद आपने एक्टिंग में प्रोग्रेस कर लिया, यू शिफ्टेड फ्रॉम मॉडलिंग टू एक्टिंग? आई वुड से कि आई वाज ड्रिवन बैक। अच्छा, व्हाई? क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं तो सिर्फ हॉबी के तौर पर उसे लेके चल रहा था, बिकॉज आई हैव नो टेंशन कि मैं जाके एक्टिंग करूंगा, बिकॉज दैट टाइम एक्टिंग वॉज कंसिडर अ फुल टाइम जॉब। वो ना पैसा था उस वक्त। जब फवाद आया है ना, फवाद ने आके जो ट्रेंड सेट किया है, कुछ ड्रामा इंडस्ट्री हमारी फ्लोरिश की है, तब लगा कि यार हाँ कुछ चीज़ें हैं। फिर एक दो ऑफर आ गई, फिर वो पहला मैंने प्ले किया, बाबुल की दुआएं लीड पे था वो 200-250 एपिसोड की, वो फिर एक चीज़ चल पड़ी। लेकिन मैं आपके सवाल का जवाब इसी तरह देना चाह रहा हूँ कि जैसे आपको कोई खींच के ले के आता है ना, प्लेस कर रहा होता है, आपको ज़िंदगी ऐसी प्लेस करती है, आपके मौके कहीं से बन जाते हैं। यानी कि आपको कुदरत ने ज़्यादा चीज़ों में डाला है। एग्जैक्टली, मैं तो मैं बता रहा हूँ, मैंने आई पीयर इन CS एग्जाम, आई हैड ऑल बर्ड प्रिपरेशन, काजम लाइब्रेरी में सुबह 8 से रात 8 बजे तक बैठ के तैयारी कर रहा होता था, और बाद में आई एंड अप कि मैं यहाँ बैठा हूँ। आपका है कोई एक्टिंग वगैरह का? यू जस्ट वांट टू डू मॉडलिंग? नहीं, अभी सिर्फ मेरा मॉडलिंग का प्लान। यूजुअली हम देखते हैं कि बहुत से मॉडल जो है वो एक्टर्स बन जाते हैं, एक्टर बन जाते हैं, लेकिन अभी मेरा फोकस इस चीज की तरफ है। गोल्स आपने सेट किए हैं अपने लिए? गोल्स बिल्कुल सेट किए हैं मैंने, अभी मुझे 2-3 साल बहुत काम करना है मॉडलिंग में, ठीक है। मकान बन रहे हैं इतना काम करना? सर, इट्स अ पैशन ना, लाइक मुझे शौक है। अच्छा, मॉडलिंग में? मैं कह रहा हूं घर बन रहे हैं, इटा सुटनी है तुसी? हां जी, तो मुझे मेरे है ये गोल, लाइक कुछ बनना है, कुछ करना है। कुछ बनना है और कुछ करना है, क्या बनना है क्या करना है ये नहीं अभी आपने तयन किया? सुपर मॉडल। सुपर मॉडल बनना है, ठीक है। अगर आपको कुछ बनना है तो मेरे ख्वाबों की शहजादी बन जाए। सुपर मॉडल बनना है उन्होंने? सुपर मॉडल बनना है तो मैं बना दूंगा। ये देखिए, ये भी मैंने बनाया है। पहले सुपर मॉडल की स्पेलिंग बताएं। SUPER सुपर MODIL MODOL, पता नहीं इस तरह कोई है। किसी को परेशान तो कर देगी स्पेलिंग। HANCOOKER। ये दे दोस्तों, क्रांतिकारी श्री जगन्नाथ प्रसाद चोपड़ा। चलो ताके रास्ता पे सजाया तो नहीं जा सकता,
बंधन ऐसे बचाया तो नहीं जा सकता। जब से महंगा है मटन चिकन का सहारा था, वो भी महंगा है तो खाया तो नहीं जा सकता। जिस तरह आप चलाने की है कोशिश में हुजूर, इस तरह मुल्क चलाया तो नहीं जा सकता। सही कह रहे हैं आप। वेलकम बैक जी रुकमा। इमाद ये बताएं कि एक्टिंग आपने कैसे लर्न की, कोई मेंटोर थे आपके जिन्होंने आपको सिखाया? कैसे लर्न किया आपने जी एक्टिंग? अनफॉर्चुनेटली हमारा कोई इंस्टीट्यूशन तो है नहीं यहाँ पर। बेस्ट पता क्या है, आप जो भी काम करना चाहते हैं ना, आप उसकी रिसर्च कीजिए, रिसर्च कीजिए। जो आपके पसंदीदा एक्टर्स होते हैं उनको देखें, आप उनके काम को रिवाइंड करके देखिए। मिसाल के तौर पर मैं जैसे देखता था, मैंने बहुत सारे नसीरुद्दीन शाह साहब, अनुपम खीर साहब, नुमान अजाज साहब हमारे, नुमान साहब, फैसल भाई, सवा कमर, इनके आप एक्सप्रेशन देखा करें, इनकी डायलॉग डिलीवरी देखें, इनका फुटवर्क देखें आप। तो रिसर्च देखिए, इंटरेस्ट से हर चीज़ आपको आ जाती है। जितनी आप किसी भी काम में दिलचस्पी शो करते हैं ना, आपको मटेरियल इंटरलिंक्ड हो। जैसे मिसाल के तौर पर आपने यूट्यूब पे कोई वीडियो देखी है, तो यूट्यूब आपको अगली जो वीडियो दिखाएगा ना, उसके रेलिवेंट दिखाएगा, उस टॉपिक से रेलिवेंट दिखाएगा। तो आप एक वीडियो देखते हैं ना, तो दूसरे एक्टर्स की, एक्ट्रेसेस की आपके सामने उसका प्ले का या वो साथ में क्लिप्स चल रहे होते हैं, वो आप नोट डाउन कीजिए उसको। अच्छा, तो आप खुद भी अपने आप को देखते हैं और फिर उससे सीखते हैं? देखिए, बहुत सारे हमारे एक्टर्स हैं, सीनियर एक्टर्स हैं, वो कहते हैं यार हम अपना काम देखते नहीं है। मैं कहता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप देखते हो तो अपने आप को देखते हो कि यार आपने यहाँ पर, आपकी मिसाल के तौर पर हो सकता है कि मैं बाज़ एक्सप्रेशन जो है वो मॉडरेट दे रहा हूँ, वहाँ पर लाउड की ज़रूरत हो। मैं देखता था अपना काम, फिर मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मैं कभी दो तीन बारी अपने ड्रामे देखे आ, मैं आप ही सोच रहा नहीं जवाना तेन काम छोड़ ही देना चाहिए। तो बेसिकली आप रिसर्च कीजिए उसके ऊपर, और दूसरा ये कि आप उसको ऑब्जॉर्ब करने की कोशिश करें। कि अब मिसाल के तौर पर आपको किसी डॉक्टर का करेक्टर आपने करना है, तो डॉक्टर की देखिए, डॉक्टर को ऑब्जर्व तो आपने हर जगह किया होगा, आपने ग्लासेस नॉर्मली पहनती हैं, वाइट उन्होंने छोटा सा कोट पहना होता है, एटीट्यूड उनका डिफरेंट क्या होता है, उसी से आपको अंदाजा होता है। जब आप कंसीव करते हैं उस करेक्टर को, तो फ्लो खुद ब खुद एक्टिंग होती है। अगर आप पोर्ट्रे करेंगे ना, जैसे मेमोराइज, हमारे बहुत सारे जो लोग होते हैं वो स्क्रिप्ट को रट्टा मार रहे होते हैं, ये सामने आके कुछ भी नहीं होता। व्हाट इज मेथड एक्टिंग? वासे भाई, मेथड एक्टिंग क्या है? मेथड एक्टिंग बेसिकली वट एवर दैट यू आर कम अक्रॉस इज बेसिकली बींग सेव्ड इन योर माइंड एंड यू हैव टू डिलीवर इट व्हेन यू आर एक्टिंग। तो देखा क्या आपने, आपने वासे भाई को ऑब्जर्व किया कि यार इस तरह होस्ट के बैठने का तरीके का, ये कॉमेडियन को बैठने का तरीका क्या है, आप उसको माइंड में मेमोरी में सेव करते हैं, और जब आप उस प्लेस पर जाते हैं, ऑटोमेटिकली आप उस तरह के बैठ जाते हैं। रुकमा, क्या याद रहा आपको इसमें? मुझे ये याद रहा है कि जो एक्टर्स हैं, फेवरेट एक्टर्स हैं, उनको एनालाइज करना है, उनके एक्सप्रेशंस को एनालाइज करना है, और फिर उसके मुताबिक प्रैक्टिस करते रहना है। देखो किड्डी ज़हीन कुड़ी लग रही है करम भाई। हाँ जी, हाँ। ये जो कुड़ी ना कुल्फी खा के कह रही थी आज मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। सब बुशरा, जिस तरह से एक्टिंग का ऑब्वियसली प्रीरिक्विजिट होता है, आपको लर्न करनी होती है, उस तरह मॉडलिंग का कुछ होता है? मॉडलिंग एक्टिंग से बहुत डिफरेंट चीज है, ठीक है? इसमें आपको एक्सप्रेशंस चाहिए होते हैं, आपको टॉल होना पड़ता है, आपके फीचर्स अच्छे होने चाहिए जो कैमरा के लिए मतलब कि सही हो, ठीक है? और वही एक बात आगे कि आपको अपने सीनियर मॉडल्स को, एक्ट्रेसेस को देखना चाहिए कि आप अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर सको। मॉडलिंग आप करती हैं तो जैसे आप सबकी फेवरेट हैं, हमारी फेवरेट हैं, आपको लोग पसंद करते हैं, कभी ऐसा भी कुछ शख्स मिला जो आपको बहुत अच्छा लगा हो? शादी के लिए कैसा दूल्हा चाहिए आपको? शादी के लिए दूल्हा कंपैटिबिलिटी मिलना बहुत जरूरी है आपकी। कंपैटिबिलिटी की है कितना प्यारा हो, मतलब बस मुझसे प्यारा ना हो, इंटेलिजेंट होना चाहिए, यू नो, वेल एजुकेटेड सा। हाइट कितनी की होनी चाहिए? हाइट मुझसे टॉल, डेफिनेटली, इसीलिए तो कहा है मैंने कि लाइक हाइट आपकी कितनी है? 5'8" विदाउट हील्स। 5'8" विदाउट हील्स, मेरी भी तकरीबन 5'8" ही है विदाउट हील्स। विदाउट हील्स जड़ियां मेनू नहीं पईयां। 5'8" तो इनकी अपनी है, तो यानी कि
कम से कम 6 फीट पे बात हो कम से कम है ना समथिंग लाइक दैट ताकि आप हील्स भी पहन सके उनके साथ हां बिकॉज़ आई लव टू वेयर हील्स ना सो अच्छा जी तो बिजनेसमैन हो या एक्टर ही हो कोई मॉडल हो या ये मैंने भी सोचा नहीं है मैंने आपको बताया सबसे पहले मेरे मैटर ये चीजें करती हैं कि आप एक ऐसे इंसान के साथ करो जिसके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग चीजें अच्छी हो आप लाइफ अच्छी गुजार सको तो बाकी बात की चीजें वो कौन होगा बिजनेसमैन होगा या क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो उसका एक पैशन अगर आप दिल में से एक सच बात है आपका मेरे बारे में क्या ख्याल है मैं बैचलर हूँ ना अभी मैं तो पता नहीं अभी उन्होंने हासे जी बात दी क्यूट कह के बात वो भी है कम से कम ये लफ्ज़ ही आपके लिए इस्तेमाल करना यही एक बड़ी बड़ी बात है जी बड़ी बात है क्यूट तो कहा एक हम कोशिश करेंगे आपके लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढे चले इंशाल्लाह देखेंगे तो आप कब कर रहे हैं शादी सर मैं तो शादी कर चुका हूँ कर ले तुझे कितना अरसा हो गया हो गए 7 साल हो गए 7 साल माशाल्लाह लेकिन लगता नहीं है हाँ मैंने तो लगता स्कूलों सीधा तुम इधर ही आए बिल्कुल छोटे प्यारे से चूचे से काके से कॉम्पिटिशन बहुत हो गया मार्केट में अगर आप फिट हैं तो आपको काम मिलता है जैसे आपने बात की है दिखता नहीं है तो आपको वो आर्टिस्ट का तो है ही है कि जितना आपने को फिट रखेगा उतना काम ले लेगा अच्छा भाई साहब ये छोड़ो ये शादी लव मैरिज के अरेंज मैरिज सर लव मैरिज कैसे आपकी लव स्टोरी शुरू हुई क्योंकि कैसे शादी हुई थोड़ा सा शेयर कर दें आप मेरे भाइयां छोटे तो मैं हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे इकट्ठे वो फैशन पढ़ी थी मैं ग्राफिक में उस वक्त था वो मैंने साथ कुछ ना कुछ करता रहता था वहां पर हमारी मुलाकात हुई थी देखिए आप अपने जीवन साथी को आप उसमें जो क्वालिटीज जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे उस पर देखते ना क्वालिटी पहली क्वालिटी पता क्या होती है कमिटमेंट मैं समझता हूँ जो बंदा कमिटेड होता है ना आपके साथ वो जिंदगी भर आपके साथ खड़ा रह सकता है वाह वाह ये खूबसूरती ये पैसा ये बीमारी ये सेहत सब आती जाती चीजें रहती है पढ़े लिखे ना तेरे मोहब्बत है फैशन डिजाइनिंग से शुरू हुई तो बला तो ये वो साडे गरीबों की तंदूर तो शुरू होती नहर से मुक जाती है God, how are you? You know, I can't sleep whole night. Oh, really? Mere te bhi foreign funding da case ho gaya. Foreign funding da case ho gaya. You see that? Pura vakua, main tonu sunama tusi. Pareshan ho jaunga. Haan ji. Mainu bukhar ho janda hai, zukam ho janda si raat nu 7 baje. Achha. Day time main okay rehna sab baat raat nu mainu bukhar ho jave. So I went to the hospital. Tin din unhone maine medicine ditti hai. Theek hai. उन्हें कहा तुम्हें टेस्ट कराने पड़ेंगे ओके ओ मैं टेस्ट कराए जिन्नी मेरे को रकम सी सारी खर्च हो गई ठीक है और टेस्ट दे विच आया कि तुम्हें डेंगू ने काटा है ओए होए मैं कहा मेरा भाई मुझे कैसे काट सकता है उन्होंने कहा तुम रात को जाग के कानी आंख से देखो वो आएगा वो आया डेंगू आया अच्छा उसने मुझे काटा काट के भागने लगा मैं क्या अब तुम आना फिर मैं तुम्हें बचाऊंगा ठीक है कहते कल मैं फिर आऊंगा अब जवाब पूरी इस तरह करके ओके फिर मैं सारी रात जाग जा रहा नहीं आया अच्छा झूठा निकला जिन्हें बंदे झूठे वाजे करते ने वो भी झूठा वाजा करके गया वो फिर मैं गया उन्हें को उन्होंने कहा अब तुम्हारे लिए जो हम डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं वो डेली की मेडिसिन तुम्हारी बनेगी 3200 रुपए की ठीक है मैं मेरे पास नहीं पैसे मैं फिर मामा नु कॉल की थी ठीक है मामा ने मेनू यूएसए तो भेजे ने पैसे इलाज वास्ते ठीक है वो अचानक ही पुलिस वाले ने मेरा डोर नॉक किया कहना बाहर निकलो तुम्हारे ऊपर फॉरेन फंडिंग का केस हो गया उन्होंने फिर पिछलिया सारियों रसीदा कड़िया ने जिड़िया मेरी मामा ने पिछले 4-5 साल च भेजिया ने उन्हें कहा तुम फिर जुर्माना ऐड होगा या तुम्हें ये सारी जो फंडिंग है अगर तुम हमें थोड़ी थोड़ी फंडिंग करते रहो तो फिर तुम्हें छोड़ दें हूँ मैं अपना इलाज करावा उन्होंने फंडिंग करा कितने पैसे उन्होंने देंगे तेरी जान छोड़ दे I don't want to talk to you if you want to talk talk to my hand because my face is not this सियासतदान नहीं है ओ तो फिर तो मैं अगला हफ्ता भी बीमार ही रहा फिर जस्ट 5000 जिड़े प्यार ना तू मंगे है ना मेरे को ओडे प्यार ने मैं तो ना कर रहा मेरे को नहीं है अगर तुम समझते हो कि मैंने तो अजे तक कोई होप ही नहीं जी तो डोंट थिंक अबाउट आशिक भाई इज अ नाइस मैन 24/7 जो भी कोई प्रॉब्लम हुई है मैं इन्होंने कॉल की थी अच्छा फिर नहीं चुकी
अपने मुल्क पाकिस्तान जिन्हें मैंने इन्नी रिस्पेक्ट दी, मैं उसके वास्ते नगमा करना चाहना कि दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान रे दिल पाकिस्तान दी पाकिस्तान जे फिर भी नहीं तू कुछ नहीं हुआ चलो इधर इधर यार इधर आ मैं देना तेरे एज कबीलदार साहब दिस इज गुड गाय अजीबो सिर पे वाल नहीं ना आगे दिस इज गुड गाय मेरी दुआ है अल्लाह तेरे सिर पे वाल ले आवे मेरी दुआ है तुम्हारे सिर पे वाल आ जान ते तुम्हारा वाल वाल कर्जे च होवे सफर नहीं कर सकता तबीयत भी बड़ी नासाज अखीर थोड़ी बरजाई ने किया उन्हें क्यों नहीं चुकते किसी ने कोई पैसे देने जे मैं डर गया मैं खैर इन पता लग गया तो मैं बराबर चुक लिया ठीक है बोरिस जॉनसन साहब बोरिस जॉनसन आपको कॉल कर रहे हैं मैं कहा सर की होया कहंदे ने ओही जो इमरान नाल होया ओए होए होए ओए होए होए मैं कहा सर हुक्म करो कहंदे ने कम टू मी एज सून एज पॉसिबल ठीक है कडे डाला एयरपोर्ट एयरपोर्ट ते पहुंचा हीथरो तो फिर लिया डाला पहुंच गया आगू साइकिल ते बाहर निकले ने अच्छा मैं कहा सर खैर ते है कहंदे ने तेरी बरजाई दे मेहमान आए ने कराची तो उन्होंने कहा भी निहारी पकाओ तो वो मसाला लेने मेरे नाल चल मैं कहा सर मियां साहब तो इलावा किसी के घर निहारी पकती नहीं तुझे मियां साहब नु फोन करो तो निहारी मंगा लो कहंदे ने वो जो पकांदे ने ना वो आप ही खांदे ने ओके ते नाले मैं ये गल नहीं करनी गल मैं होर करनी ओके मैं कहा दसो सर कहना है ये वे के भाई चोरी शुजात साहब नु तुहाडे कैसे तलकात ने अच्छा जरदारी साहब नु कैसे तलकात ने कहंदे ने जरदारी साहब नु पुछो क्योंकि मसले अद्धे बादशाह ने हो लोकी तो कहंदे ने मक्खन चो वाल कटदे ने ना ए वाल दे विचो ही हल्का जिहा मक्खन फड़ लैंदे ओके मैं कहा सर तुसीं इह गल करदे हो लोकी तो मक्खन चो वाल कटदे ने जरदारी साहब मक्खन चो मगरमच्छ भी कट लैंदे ने कहंदे यार सही तू कह रहे जे मैं दोबारा प्राइम मिनिस्टर दी ट्राई करा जरदारी साहब ते शुजात साहब जड़े ने ये मैंने प्राइम मिनिस्टर बनवा सकते ने मैं कहा लेट मी ट्राई तो मैं कहा जी मैंने फिर पाकिस्तान जाना पड़ेगा ओ फिर मैं जरदारी साहब नाल गल कीती मन गए ने अच्छा जी सर कहंदे ने बनवा देंगे कोई ऐसी गल नहीं लेकिन कहंदे ने शर्त है वे के 10 डाउनिंग स्ट्रीट मेरी होएगी मैं कहा सर 10 डाउनिंग तुहाडी होएगी कहंदे ने यस तुम्हें पता है कि 10 से है मुझे कितना प्यार मैं क्या सर जी मेरे तो ज्यादा कौन जानता है काफ लीग दे बंदे भी 10 ही सन कहने ने उन्होंने गल कर जे ते 10 डाउनिंग मैं दे देन ते 10 इट हैज बीन हो जावे ते मैं करा देंगा मेरी फ्लाइट है ये अपना 12:57 ते किधर टुर गए हो इधर हेलो तू दसो भी मैं जाके उन्होंने गल करा ते वो मान जानगे यार अभी तो मैं नहीं इस पे कमेंट कर सकता मैं अभी बिल्कुल बीच में हूं शो के माधव साहब नहीं माय गॉड ए तो मेरे बड़े फेवरेट ने अच्छा ओए हो मेरे फैन ने अच्छा हां जी हां जी तेरे नहीं मैं इनका फैन तू कड़ा सेंचुरी की थी बगैर मुंह धोतियां भी आके प्रोग्राम में बैठ जाते यार मेरा बड़ा फेवरेट फनकार है अच्छा जी भाई पहला ड्रामा इस बच्चे ने किया है ओ दे विच ही ने फट्टे चुक देते ओए होए होए हां जी उस तो मैंने पता लग गया आने वाले वक्त दा एक किंग हैगा ओए होए मैडम बुशरा जमील साहब जी बिल्कुल ऐसे टॉप मॉडल जो एक ना है पूरा की ना है बुशरा जमील मेरा पुत्र चौकस बैठा प्लीज गिव मी वन सेल्फिश प्लीज सेल्फी लेनी है मेरे बच्चे भी तुहाडे फैन हैगे ने माशाल्लाह क्योंकि उन्होंने भी कोई मेरी तरह कोई एडी समझते नहीं ना नाज भाई मुबारक हो भाई तुसी न्योले ना भी सेल्फी खिंच ली अच्छा अकरम दास साहब ने बनाई कोई फोटो मैम थैंक यू हैव अ ग्रेट इवनिंग थैंक यू माशाल्लाह बड़े प्यारे मेहमान बुलाए जे लेकिन बड़ा चंगा अफसर एसपी को कल चपेड़ा खादी क्यों
उन्हें कहा कि नरगोली तुम ऋषभ छोड़ सकते हो, कहते एब्सोल्युटली नॉट। ये तीन बहाए कादे वास्ते हैं, तुम इकल्ले ही काफी सो, भी ना करना तुम कुछ तो ना उन्होंने। वेलकम बैक जी, अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिमशा है और मेरा क्वेश्चन इमाद सर से है, और मैंने इनसे ये पूछना है कि आपके काफ़ी ड्रामाज हैं, पॉजिटिव रोल भी हैं और नेगेटिव भी, तो आप आगे मजीद किस पे करना चाहेंगे, आपको कौन सा पसंद है, पॉजिटिव या नेगेटिव रोल? आई थिंक कि हमारे यहाँ पर जो पॉजिटिव करेक्टर करते हैं ना, समझा जाता है कि उसका स्कोप ज़्यादा है, नेगेटिव वाले कहते हैं यार कि, तो पॉजिटिव। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इकरा अलमास है, मेरा सवाल मैम बुशरा से है कि जब उन्होंने मॉडलिंग इंडस्ट्री ज्वाइन की तो उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा गुजरा? मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस जो था मैंने किसी ब्रांड से शूट किया था फहद कर, मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस उनके साथ रहा था, ठीक है, बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, मेरी बहुत सारी दोस्तें ऑलरेडी मतलब इस फील्ड में थी और मुझे इस चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प मिला है, मेरी फ्रेंड्स ने मुझे काफ़ी इसमें हेल्प आउट किया है, तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ इस चीज़ में। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सलमान है, मेरा क्वेश्चन सारी माद से ये है कि एक एक्टर की लाइफ काफ़ी टफ होती है, तो इस लाइफ के दौरान फैमिली के साथ जो टाइम स्पेंड किया जाता है वो भी डिस्टर्ब होता है या नहीं होता? देखिए, कामयाबी यही है कि आप दोनों को मुनासिब तरीके से लेके चले, लेकिन हमारी जो फील्ड है ना, इसमें आपको बहुत ज़्यादा जुस्तजू करनी पड़ती है, तगोदो करनी पड़ती है, तो फैमिली लाइफ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब तो होती है। जैसे मैं लाहौर में रहता हूँ और मैं काम कराची करने के जाता हूँ क्योंकि हब वही है, तो मुझे बैक एंड फोर्थ फ्लाई करना पड़ता है, तो कभी मुझे एक महीना लग जाता है, डेढ़ दो महीने लग जाते हैं, तो फैमिली तो सफ़र करती है। और ये मेरा ख्याल है कि सिर्फ इसमें फील्ड में नहीं है, आप बहुत सारी दूसरी जगह पर भी ऐसा ही है। अब बैंकिंग में देख लें आप, वो जाते हैं सुबह 9 बजे के हिसाब से जाते हैं, आते हैं रात को 9 बजे। आई थिंक प्रोफेशन, हर प्रोफेशन में ऐसा ही है। और एक मैं आपको बताऊं, ये डिस्करेज करने के लिए, इनकरेज करने के लिए, किसी भी फील्ड में आप जब ज़्यादा काम करते हैं तो आप ज़्यादा ऊपर जाते हैं, एवरेज तो हर कोई कर रहा होता है यहाँ पर। अगर आपका महीने का एक्सपेंस 50,000 रुपये अगर आप कमा रहे हैं तो आप कहते हो यार ठीक है, लेकिन अगर आप ज़्यादा काम कर रहे हैं ना तो आप 1-1.5 लाख तक जाते हैं वो। और दूसरी बात पता क्या, जब आपकी जेब में पैसे अच्छे आ रहे होते हैं ना, फैमिली भी कहती है कोई मसला नहीं यार, तो टेंशन नहीं ले रहा। तो जी, हमारा कोई वाणी का सेगमेंट है, सवाल पूछूंगा, ऑप्शन दूंगा, आपको उनमें से ही जवाब चूज करना है। कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रही, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। ओके, सो आप इससे पहले कौन खेलना चाहेगा, आप बताइए। लेडीज फर्स्ट। लेडीज कह रही हैं, आप कह रहे हैं, वैसे कर लें, कोई इशू नहीं, आपसे करूं, इज दैट ओके? जी इमाद, ये बताइए, एक बायोग्राफी पढ़ना लाजिम है, इनमें से किसकी होगी वो बायोग्राफी जो आप पढ़ेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शहबाज शरीफ और जनाब आसिफ जरदारी। आसिफ जरदारी साहब की, ये बताएं, आधी रात का वक्त है, आप शदीद बोर हो रहे हैं, किसी एक को कॉल करनी है अपना माइंड आपने जरा डाइवर्ट करने के लिए, तो किसको कॉल करेंगे वो? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हिरामानी या फिर शाइस्ता लोदी। हिरामानी होंगी वो। लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को स्माइल देंगे और एक को कहेंगे कि आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अफान वहीद, फुरकान कुरैशी और दानिश तैमूर। तो सेल्फी किसके साथ है? दानिश। स्माइल किन को दे रहे हैं? अफान। और फ्लोर आ गया है फुरकान कुरैशी का, ठीक है। चांद पर जा रहे हैं, किसी एक को छोड़ के आ सकते हैं वहां पे, आप खुद वापस आ जाएंगे। हु विल यू टेक अलोंग? ऑप्शंस आपके पास है अली अंसारी और अली रहमान। अली अंसारी होंगे वो। टाइटैनिक पर जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, किसको साथ लेके जाना चाहेंगे टाइटैनिक पर अपने? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं माहिरा खान और दुरे फिशा होंगी वो। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, किसी एक को देनी है आपने दूसरी लाइफ जैकेट, आप किसको देना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अलीजे शाह और बुशरा जमील। अलीजे शाह ले गई हैं, बुशरा आई एम सॉरी, आप नहीं ले रहे। बुशरा जी, ये बताइए, आपका बैंक अकाउंट किसी वजह से बंद हुआ हुआ है, आज डेबिट और क्रेडिट कार्ड भी नहीं चल रहे, रात को आपको बहुत एक्सपेंसिव डिनर पे जाना है, किसको साथ लेके जाएंगी? बिकॉज जिसको भी आप चूज करेंगे ले जाने के लिए, इवेंचुअली बिल वो देंगे। ओके, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब जहांगीर तरीन और जनाब शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ साहब। लिफ्ट के अंदर एंटर, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि फ्लोर आ गया हुआ है। ऑप्शंस आपके पास हैं इमरान अब्बास, हुमायूं सईद और अली जफर। तो सेल्फी किसके साथ है? हुमायूं। स्माइल किन को दे रही हैं? अली जफर। और फ्लोर आ गया है? इमरान अब्बास। ठीक है।
आप भी जा रही हैं चांद पर, किसी को छोड़ के आ सकती हैं वहां पे, किसको चांद पे छोड़ देना चाहेंगी? ऑप्शंस हैं HSY और नोमी अंसारी। HSY टाइटैनिक पर जा रही हैं, दो VIP पास हैं, किसको साथ लेके जाना चाहती हैं टाइटैनिक पर अपने? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शेख रशीद अहमद और जनाब आसिफ जरदारी। आसिफ जरदारी साहब होंगे वो, डूबती कश्ती में सवार हैं, दो लाइफ जैकेट्स हैं, किसको दे रही हैं दूसरी लाइफ जैकेट आप? एक तो आपकी अपनी है। ऑप्शंस हैं आपके पास कैसर पिया और इमाद भट्ट। कैसर पिया। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू सो मच एवरीवन।